अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कबीर और आप देख रहे हैं सऊदी इन्फो। जब भी लोग पहली दफ़ा सऊदी अरब आते हैं या हज और उमरा वाले लोग सऊदी अरब आने का सोचते हैं तो सबसे पहली मुश्किल जो इसका उनको सामना करना पड़ता है वो होती है सऊदी अरब की लोकल सिम। अब वो सिम तलाश करना शुरू करते हैं, किसी दोस्त अहबाब किसी रिलेटिव से वो सिम लेते हैं और फिर सऊदी अरब का सफ़र शुरू करते हैं। और जो बगैर सिम के सफ़र करते हैं उनके लिए मुश्किल पेश आती हैं सऊदी अरब में पहुँचते हुए। तो मोबाइल कंपनी में सऊदी अरब में एक ऐसी सहूलत मुतारिफ करवा दी है जिससे नए आने वाले लोगों और हज उमरा जायरीन के लिए एक बेहतरीन सहूलत दे दी गई है। मोबाइल ने 30 ममालिक में मौजूद 104 वीज़ा सेंटर से रजू करने वाले लाखों अफराद को राबता सहूलत फराम करने के लिए VFS तसहील कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया। सऊदी दफ्तर खारजा वीज़ा सेंटर का इदराज किए हुए है। इस सहूलत की बदौलत सऊदी अरब सियाहत हज या उमरा या मुलाजमत के लिए आने वाले गैर मुल्कियों को मोबाइल सिम की सहूलत हासिल हो जाएगी। अब जब भी आप लोग वीज़ा सेंटर जाएंगे, अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, अपना वीज़ा स्टैम्प करवाएंगे तो वहाँ पे आपको सहूलत मौजूद होगी मोबाइल सिम की। लेकिन अगर आप फिर भी सिम नहीं लेते तो आपके पास एक और ऑप्शन भी है जिसकी वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ कि आप अपनी मुलक से जो सिम ला रहे हैं, जो आपके अपने मुलक की लोकल सिम है, मसलन पाकिस्तान से यू फोन टेलीनॉर वगैरह, इसी तरह इंडिया से वोडाफोन टेलीनॉर या बांग्लादेश नेपाल अफगानिस्तान या इधर उधर के मुल्क से जो भी सऊदी अरब में आते हैं, तो आप अपने मुलक की लोकल सिम को सऊदी अरब के लोकल नेटवर्क पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मेरी पहले से वीडियो मौजूद है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो वो भी आपके लिए उम्मीद है बहुत यूजफुल होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।